डोनाटोल कैसल देखते देखते दिन तो नहीं खत्म हुआ था, लेकिन वीडियो एडिट करते करते मेरी आंखें और कंप्यूटर दोनों गर्म हो गए थे। लेकिन आज की वीडियो में तीन चीजें कवर करेंगे। डोनाटोल कैसल तो देख चुके, माइंड ब्लोइंग सीनरी, लेकिन एक मेन चीज यहाँ पे मिसिंग है और वो है राधारण का इंट्रोडक्शन। मैदान में ही है उमर भाई और सलमान भाई। स्टॉप ग्लेंची ये कह लें यहाँ का बॉक्सर टॉप है, और यहाँ पे स्काईफॉल 007 उसकी शूटिंग जहाँ पे हुई थी वो ढूंढने की कोशिश करेंगे। नंबर टू सेंट मार्चर का कैथेड्रल, ये कह लें कि ओल्ड एबरडीन का जेम है। नंबर थ्री और लास्ट में न्यू ब्राग का सील बीच, वाइल्ड एक्वाटिक एनिमल देखने के लिए। मौसम यहाँ का बहुत ज़बरदस्त है, पल में धूप पल में बारिश, और यहाँ की मिट्टी भी उस तरह की नहीं है जो कि पाँव पे चिपट जाए। एबरडीन से ग्लेनशी कोई तकरीबन 1.5 घंटे का रास्ता है। रास्ते के साथ साथ चलता है रिवर डी जो कि स्टार्ट होता है ग्लेनशी से, एबरडीन की सिटी में से गुजरता हुआ मेन समंदर में गिर जाता है। यह है भलाटार विलेज और ये अपने मजेस्टिक व्यू की वजह से बहुत फेमस है। क्वीन एलिजाबेथ समर की 4 मंथ यहाँ पे स्पेंड करती हैं। बहुत ज़बरदस्त टूरिस्ट प्लेस है, अगर आप चाहें तो यहाँ पे रुक सकते हैं। हम भलाटार से बाहर निकल के रुकेंगे। दुनिया के 3 मेन एलिमेंट हवा पानी और मिट्टी एक फ्रेम में मिल जाए तो माशाल्लाह। स्कॉटलैंड बेबी। क्वीन की पर्सनल प्रॉपर्टी बेलमोरल में, इसलिए इसका नाम भी बेलमोरल कैसल है। भाई लोग ये डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे ड्रोन उड़ाने की इजाजत है कि नहीं, बट डेफिनेटली क्वीन की पैलेस पे ड्रोन उड़ाने की इजाजत नहीं है। अब रुकेंगे मंजिल पे जाके। इस सीन की बात कर रहा था, ये जगह भी देख ली। वो खड़े हिरन अगर आपको नजर आ रहे हैं, ये हिरन का मेरा फर्स्ट इनकाउंटर था स्कॉटलैंड में। हमारी जवानी लुट गई सस्ती में, बट गुज्जर भाई अपनी मस्ती में। पिछले एक वीक से दूर दूर से भेड़े देख रहे हैं, स्कॉटलैंड की भेड़े, यहाँ पे ओपन है, नजदीक जाके देखते हैं। पाँव बचा के नीचे गंद पड़ा हुआ भेड़ों का। एनी लव एंडी, एनी कौन हो सीधा एंडी, इधर लड़का कह रहा था लड़की कह रही है, मसला है। हाँ ओके, तो एनी लड़की है, तो तबसरा फरमाओगे? बंदे थे पुत्र बनो थे, अपनी सेहत और टाइम ज़ाया मत करें। महकमा सेहत हुकूमत पंजाब, तबीयत ज़्यादा ख़राब हो तो शादी के लिए मौली साहब से रजू करें। और एंड में फोटोशूट। खाने का टाइम, मुझे बताया गया कि यहाँ का नेशनल फूड फिश एंड चिप्स हैं, तो मैंने भी एग्री किया, फ़िश तो मुझे भी पसंद है। और हलाल फूड ढूंढने का यहाँ पे एक ही तरीका है कि आप शॉप पे कॉल करो और उनसे पूछ लो ऑयल कौन सा यूज़ कर रहे हैं, अगर तो वेजिटेबल ऑयल यूज़ कर रहे हैं तो यू आर गुड टू गो। भाई हम कौन से गांव में आए हैं?
A-B-O-Y-N-E. Hey boy, nice. Fish and chips. Halal. यहाँ से गुजर हो तो इनकी फिश जरूर ट्राई करें। बैक टू एबरडीन सिटी। एबरडीन सिटी के दो हिस्से हैं, ओल्ड एबरडीन और न्यू एबरडीन। सेंट मैचर का कैथेड्रल ओल्ड एबरडीन में एक मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन है। इस कैथेड्रल की कहानी ये है कि सेंट मैचर को उनके गॉड की तरफ से ख्वाब में मैसेज मिला कि जहाँ रिवर, जो इसका अभी नाम रिवर डी है, बेंड होके सी में मिलता है, वहाँ पर इबादत के लिए जगह बनाओ। ये अब हिस्ट्री म्यूजियम भी है। रिकमेंडेड प्लेस है, इधर आए तो यहाँ पे भी विजिट करें। यहाँ का आर्किटेक्चर आपको इम्प्रेस करेगा, आगे पीछे की बिल्डिंग और जिस तरह इन्होंने चीज़ें मैनेज की हुई हैं। ये सारी इनकी कब्रें हैं, नाम ऊपर लिखा हुआ है। और वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल चर्च है, बिल्डिंग है, जो भी आप कह लें। अच्छा खासा बड़ा है, छोटा नहीं है। अंदर हम खामोशी इख्तियार करेंगे, देखते हैं अंदर क्या चीज़ें। आप डोनेशन कर सकते हैं कार्ड के थ्रू। कैमरा आई गेस अलाउ है। खामोशी के साथ अंदर जाते हैं। भाई ये था हमारा इजाजत लेने का तरीका मस्कीनों वाला। इजाज़त ली है हमने, वो कहते हैं हाँ कोई इशू नहीं है, आप कैमरा यूज़ कर सकते। तो ये ग्रेफाइट है जिसके साथ मोस्टली ये बिल्डिंग बनी हुई है। इसकी हिस्ट्री रिलेटेड पफलेट हमें दिया गया, उसमें से एक इंटरेस्टिंग स्टोरी मैं अभी आपके साथ शेयर करता हूँ। मानो से पहले के हैं तो इनकी हिस्ट्री मुस्लिम से ज़्यादा है, इनकी कंस्ट्रक्शन ज़्यादा है। दुनिया में ज़्यादातर इनके मोनूमेंट्स मिलते हैं इनकी आर्मी के। उमर भाई को यहाँ पे कन्फेशन बॉक्स ढूंढे ना, तो यूनिवर्सिटी में आपसे जो गलतकारी हुई हैं आप उनकी माफ़ी मांगना। कुछ हुआ ही नहीं था। ये नसीबो लाल जो सारी ज़िंदगी गाने गाती रही है, गुजरों के लिखे हुए हैं। ये जो चीज़ है, मतलब इसके अंदर आप जब बोलते हो ना, तो आपको कोई जो नई टेक्नोलॉजी है उसकी ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर से साउंड निकलते हैं, काइंड ऑफ बांसुरी। ये सिस्टम है सारा, ओल्ड टेक्नोलॉजी। गोरे बिल्कुल भी रिलीजियस नहीं है, वो सेकुलर हो गए हैं। ये चीज़ है, वो कहते हैं हम किसी रिलीजन को नहीं मानते। जो काले ना वो फिर चर्च आते हैं। तो नेक्स्ट जो जंग होनी है ना, वो सेकुलर और रिलीजन बंदों की होनी है, वो ये इस्लाम क्रिश्चियनिटी की नहीं होनी। अच्छा तो स्टोरी है 1305 सर विलियम वेलेस की। ये फर्स्ट स्कॉटिश इंडिपेंडेंस वार हीरो थे, जिनको इंग्लैंड के किंग एडवर्ड बगावत की वजह से पकड़ इनके जिस्म को मुख्तलिफ टुकड़ों में तकसीम कर दिया था, और इन्हें निशाने इबरत बनाने के लिए स्कॉटलैंड की डिफरेंट सिटीज़ में उनके जिस्म के डिफरेंट हिस्से भेजे गए थे। उनके जिस्म का लेफ्ट साइड का हिस्सा जो है वो इस कैथेड्रल के कब्रिस्तान में मौजूद है। Pope Leo the 10th. The same ceiling. And all his arch. Showing on the ceiling. Yeah. And on the far left, is the Holy Roman Emperor and all the kings of Europe, as it was in 1520. These three here are all Aberdeen. This is Royal Aberdeen. The Borough of Old Aberdeen. The Borough of Aberdeen. It's King's College where we just... University. Is that the street? The Royal Borough of Aberdeen. The three castles and the three hills that Aberdeen is built on. The English one. Oh yeah, Henry the three. VIII. The king of England. The three sleeping lions. The three. Not that I'm a nationalist. Could be a nationalist. मतलब जब भी इसकी रेनोवेशन होती रही है, सारी डिटेल सिस्टम में, ये नहीं है कि पैसा खाया हजम की और सही है जी सीमेंट मारा थोड़ा सा ऊपर ऊपर लगाया। छोटी सी तरीके है ना, छोटी सी मशीन, शाही विला, सब
आप उधर डिजाइन लगा सकते कितना रैम ने जनरेट करे इंफॉर्मेशन मिले ऊपर जाने का रास्ता उमर भाई वो खानी पे है मेरे पास चुप भाई ये देख लें बातों बातों में इंग्लैंड की जो है ना सर बेइज्जती कर रही है हाँ बेइज्जती कर रही है स्लीपिंग लायन थ्री लायंस पर दे ऑलवेज स्लीपिंग लायन सो ये आपको पता ये जरा नेशनलिस्ट बड़े डाढ़े किस्म जो नाइस स्कोर है ना स्टोरी इनमें रखी है मतलब बिहाइंड द सीन आई डोंट नो मतलब जो उनकी बनी है के बारे में फर्क करते हैं हिंदुस्तान ये हमारे लेकिन कॉम्पिटिटिव फील है यहाँ पर मेन चीज़ ये है कि इंग्लैंड ने पूरी दुनिया में मार थाड़ की है वही है ना इन्होंने अपने बाप दादा का खून अभी तक नहीं ये लोग भूले तो ये चीज़ आपको फील होगी कहते हैं लेकर रहेंगे याद आ रहे हाँ फ्रेंडली हैं जितने बंदों से इंट्रैक्शन हुई है बहुत फ्रेंडली हैं एक चर्च से '1907 मेरी चीज़ ये कि सीमेंट्री ये पुरानी है सिर्फ एज अ सिंबल हिस्ट्री प्लेस है तब के लगे हुए हैं डेट्स लिखी हुई हैं काफ़ी मतलब 100 साल से भी पुरानी कपड़े हैं ये 1896 अभी हम यहाँ से निकलेंगे ये एग्ज़िट गेट और नेक्स्ट स्पॉट फाइनल डेस्टिनेशन न्यूबर्ग पता नहीं न्यूबर्ग या न्यूब्राग है भारत ये वो पक्षी हैं जिनके खिलाफ अंकल डोनाल्ड ट्रंप काफ़ी बोलते हैं क्योंकि उसका यहाँ पे गोल्फ क्लब है और प्राइवेट प्रॉपर्टी भी है भाई न्यूब्राग हम ये देखने आए हैं ग्रेस हिल्स बहुत शोर करती है यहाँ पे उनकी सिंगिंग एंजॉय करें और ये क्यूरियस जानवर हैं तो ये पानी के अंदर से आपको फॉलो करेगा तो बेसिकली ये यहाँ पे सिर्फ रेस्टिंग के लिए स्टे करती हैं इनका जो पप्स जो है वो यहाँ पे बोर्ड नहीं होता पप्स की जो कॉलोनीज है वो यहाँ से दूर ओर्कनी और द आइल ये कोई इलाके हैं जहाँ पे इनके जो बेबीज हैं वहाँ पे बोर्ड होते हैं फैमिली आ गई है ना उस वे ना बेचारा मैसेज फंसे है कुछ हमने कुछ नहीं बोला इंशाल्लाह फिर किधर आवाँगे 4 दिन तो हो गए ना 1 दिन ला कर आया वो भी मैं फिर ना टूट नहीं आया ना यहाँ की खूबसूरती मैं सराउंडिंग दिखाने की कोशिश करता हूँ अब हमारी किस्मत में पता नहीं है कि नहीं परिंदे बैठ नहीं है ये बीच एबरडीन सिटी से सिर्फ 20 मिनट की ड्राइव पे है चला सकते हैं फेयर तो इजी है इस पॉइंट पर रिवर वाइथन जो है वो सी से मिलता है इसलिए सी के जो एक्वाटिक एनिमल हैं वो निकल के इस बीच पे आते हैं और विजिटर इनको देख सकते हैं यार ये चाती मार के ना वापस पानी में चली जाती है ड्रोन निकालना पड़ेगा हाँ ड्रोन भी तो अभी तक नहीं उड़ाना आया वीडियो ही नहीं स्मूथ बनती बीच में अजीब हल्के हल्के जर्ट्स आते रहते हैं
आप किस तरह जा रहे हैं? अब हम देखते हैं शायद बलरेडी बीच का चक्कर लगाए या फिर मे बी रिमोट फाइंडिंग ख्वाहिश है कि मुझे अभी हाई चार्ज पूरी करनी चाहिए। भाई बहुत अच्छी जगह, कमाल की जगह। अच्छा मारो हाँ जी, किदियां सानो ज्यादा ठपियां लांदियां ने। तो सो ले जे जाने से पहले एक आखिरी वीडियो। जिंदगी में पता नहीं इंसान दोबारा यहाँ पे आता है कि नहीं, लेकिन माशाल्लाह बहुत प्यारी जगह नेचर के पास। जिंदगी रही, पैसे हुए पास, तो दोबारा आएंगे। स्कूबा डाइविंग करनी है मैंने यहाँ पे इंशाल्लाह। थैंक यू जमशेद भाई, ऐसे ही ना।